Good morning, student. This is your 12th class physics. Today we are going to discuss about remaining this experiment. And इसके अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं? Work function पढ़ चुके हैं, kinetic energy पढ़ चुके हैं, stopping potential पढ़ चुके हैं. क्या था stopping potential? कि हम जितना भी voltage को जब तक बढ़ाएंगे, जब तक ये current की value वहाँ पे जाके रुक ना जाए. मतलब electron आके move ना करे. ठीक है, वो क्या था स्टॉपिंग पोटेंशियल. स्टॉपिंग पोटेंशियल किसने डिनोट किया था? वी नोट. तो एक पॉइंट नोट करो, अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, कितनी भी फ्रीक्वेंसी हम बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. तो हमें वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, क्या मिनिमम, नॉट मिनिमम एनर्जी, क्या है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके. हमें क्या चाहिए यहाँ पे? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर सके. उसी को क्या बोलते हैं हमें? थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी. उसी चीज को क्या बोलते हैं हमें? थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या होती है थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी? कि सरफेस से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको क्या बोलेंगे? थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी. क्या होती है एनर्जी? वही एच म्यू नॉट. ठीक है, वर्क फंक्शन फाइंड आउट क्या था? एच म्यू नॉट. फाइंड आउट इज द वर्क फंक्शन. और वर्क फंक्शन क्या था? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है? मिनिमम एनर्जी की. वो क्या था? वर्क फंक्शन. ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है, अगर ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट है तो म्यू ग्रेटर देन है म्यू नोट से मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर. ये किसकी इक्वल आएगी? एच म्यू माइनस एच म्यू नोट. ये क्या है जो हमने दे दी? ये क्या है जो खर्च हो गई? और जो बच गई वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी. ये तो वो है जो हमने इलेक्ट्रॉन को दी थी, ये वो जो जितनी खर्च हो गई, ये बची हुई इलेक्ट्रॉन की क्या है? काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है इसकी? हाफ एम वी में एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू. ठीक है, फिर आइंस्टीन की इक्वेशन आई थी. देखो आइंस्टीन की इक्वेशन क्या थी? आइंस्टीन ने इक्वेशन, आइंस्टीन क्या थे? साइंटिस्ट थे. तुमने केमिस्ट्री के अंदर भी इसका पढ़ा होगा. तो जो आइंस्टीन की इक्वेशन थी वो क्या थी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि भी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू एच म्यू होता है ना. और म्यू किसके इक्वल होती है? म्यू की वैल्यू क्या होती है? सी होता है म्यू इंटू लैम्डा. यहां से म्यू निकालेंगे तो सी अपॉन लैम्डा क्या जाएगा? म्यू. तो यहां पे वैल्यू पुट करोगे तो ई क्या आएगा? एच सी अपॉन लैम्डा. ये इक्वेशन आई थी, मेन होता है इसका ये वाला. अब हम इसके अंदर पुट करेंगे, इसी वाले फॉर्म में हम लेके आएंगे. तो इधर देखो, जब हम इसके फॉर्म में लेके आएंगे तो क्या क्या हमने? E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा. एच सी एज इट इज वन अपॉन लैम्डा माइनस वन अपॉन लैम्डा नोट. और लैम्डा नोट क्या है? थ्री सोल्ड वेव लेंथ. वट इज लैम्डा नोट? थ्री सोल्ड वेव लेंथ. और थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायर्ड कि जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट कर सके, वो क्या होती है? थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी. और ये क्या है? थ्रीसोल्ड वेवलेंथ. ठीक है, ये क्या थी? आइंस्टीन की इक्वेशन. उसके बाद है, हमने क्या किया था? हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट, जिससे क्या हो गया था कि जो वेव थ्योरी है वो वेव थ्योरी एक्सपेरिमेंट को करने में क्या हो गई थी? फेल. इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंट किया था उसको वेव थ्योरी करने में क्या हुई थी, फेल हो गई थी। तो हम क्या पढ़ेंगे, फेलियर पढ़ेंगे, फेलियर हो वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के क्या पढ़ेंगे, फेलियर पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्या था, फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट के अंदर इसने बोला था अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जितनी ज्यादा एनर्जी है उतनी ज्यादा क्या थी, इंटेंसिटी थी, बट इन एक्सपेरिमेंट डिफरेंट इंटेंसिटी गिव सेम एनर्जी। वेव थ्योरी तो ये कहती है कि जितनी हम, वेव थ्योरी क्या कहती है कि जितनी हम एनर्जी देंगे या फिर जितनी हम इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे उतनी ही क्या आएगी, एनर्जी मिलेगी। बट ये एक्सपेरिमेंट जो हमने किया ये क्या करता है, क्या बोला था, अगर हम डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी लेंगे तो एनर्जी क्या थी, सेम लगेगी। तो ये एक्सपेरिमेंट, तो वेव थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी जो कि क्या हुई थी, फेल। सेकेंड पॉइंट उसने क्या बताया था, सेकेंड उसने बोला कि ऐसे मैंने वेव फ्रंट लिया, ऐसे इस पे मान लो ये मैंने सरफेस लिया और ऐसे वेव फ्रंट मैंने इस पे फोल्ड करवा, तो जितने पे ये लगी उतने इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलने चाहिए थे, ऐसे लगी ये जितने पे लगे तो उतने लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ निकलने चाहिए थे, बट ऐसा नहीं हुआ, एक पॉइंट पे गई एक आ, एक पॉइंट पे गई एक आ। तो इस सेकंड में भी क्या हो गई थी, ये वाली थ्योरी क्या हुई थी, फेल हो गई थी वेव थ्योरी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर हमारी, अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी लेस कर देते हैं थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी के न्यू नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम फ्रीक्वेंसी को थ्रीसोल्ड फ्रीक्वेंसी से लेस कर देते हैं तो हम कितनी भी फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को बढ़ा ले, अगर हमने उस फ्रीक्वेंसी को लेस कर दिया तो हम चाहे कितनी भी इंटेंसिटी को बढ़ा ले वहां से इलेक्ट्रॉन हिलेंगे भी नहीं, निकलेंगे नहीं। तो इस थ्योरी में ये वाला पॉइंट इसके अंदर क्या हो रहा था, फेल हो रहा था, जो कि इस एक्सपेरिमेंट को नहीं बना रहा, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया इसके अंदर वेव थ्योरी फेल हो गई थी, इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए वो नहीं कर पाए।